हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योर सेल्फ। सो गाइस, इस वीडियो के पहले मैंने आपको फेस फर्स्ट एंड फेस सेकंड वीडियो अपलोड कर दी है। फेस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर गया था। देन फेस सेकंड में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से वो क्वेश्चन थे जो मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे जब मैं अपना HPCL का इंटरव्यू दे रहा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देन आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू प्रोसेस में सेलेक्ट होने के बाद आपके साथ क्या क्या प्रोसेस होंगे। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होंगे उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं अपने प्रोसेस की बात करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके कुछ देर के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद, मुझे पता चल गया था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। एंड देन मेरा मेडिकल है लखनऊ में अगले दिन। बट इस बार का प्रोसेस कुछ डिफरेंट था। आपका जो इंटरव्यू हुआ होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीडियम से हुआ होगा। देन अगले कुछ समय के पश्चात आपको बोला गया होगा कि मेल आपको शाम तक आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का मेल, मुझे कमेंट भी आया कि उनका मेल आ चुका है 5:30 या 6 बजे तक, कि वो सेलेक्ट हो गए हैं मेडिकल के लिए। सो यहाँ मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 19 नवंबर 2019 को लखनऊ में हुआ था और करीब 40 दिन के बाद मुझे एक मेल आया था। वो मेल कैसा दिखता था मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो यह रहा मेरा मेल। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर GAT इंटरव्यू प्रोसेस हेल्ड फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द ऑफर लेटर विद द डिटेल्स ऑफ योर ट्रेनिंग लोकेशन इज़ नाउ अवेलेबल इन नेट्स पोर्टल। काइंडली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर लेटर विद इन नेक्स्ट 7 डेज, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड कैंसल्ड। तो सबसे पहले आप अपना नेट्स पोर्टल ओपन करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। सो इसे आपको 7 दिन के अंदर ही करना होगा, अदरवाइज ये आपका कैंसिल हो सकता है। तो जैसे ही आप अपना एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन अपीयर होगा नेट्स पोर्टल में, तो आप अपना अवॉल लेटर वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। एक्सेप्ट और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ गूगल फॉर्म भरने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे मेल में, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर डिटेल्स इन द बिलो प्रोवाइडेड लिंक। सो यहाँ मैंने लिंक अपनी हाइट करके रखी हुई है क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है। बट जैसे ही आपको अवॉर्ड लेटर आएगा इस मेल पर, तो वैसे आपको भी ऐसी एक लिंक दी जाएगी जिस पर आपको कुछ गूगल फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। सो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे 2 या 3 गूगल फॉर्म फिलअप करने थे तो मैंने इस लिंक पर जाके वो सारे फॉर्म फिलअप किए थे। तो आपको भी उसी प्रकार के 2 या 3 या 4 भी आ सकते हैं गूगल फॉर्म्स, वो आपको भरने होंगे। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स ही HPCL आपकी मांगता है ताकि आप उन्हें अपनी डिटेल्स दे दें और HPCL आगे क्या प्रोसेस आपके साथ कर सके। सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो एक अवॉर्ड लेटर का मेल आएगा, देन जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको गूगल फॉर्म्स भरने होंगे। तो आप सभी गूगल फॉर्म भर देंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फॉर्म्स के बाद आपको क्या करना होगा। अब मेरा अवॉर्ड लेटर मेरे हाथों में था। देन मैंने सारे गूगल फॉर्म भी भर दिए थे, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम एंड मुझे किन को रिपोर्ट करना है ये भी मुझे पता था। बट रिपोर्टिंग करते वक्त मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे जो कि उस अवॉर्ड लेटर में मेंशन थे, और वो डॉक्यूमेंट ये थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना अवॉर्ड लेटर दिखाता हूँ। सो यहाँ आप मेरा अवॉर्ड लेटर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अवॉर्ड लेटर टू ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी इंजीनियरिंग पोजीशन अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विद रेफरेंस टू हिज एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंट इंटरव्यू मिस्टर सुमित कुमार इज हेयर बाई इन्फॉर्म दैट ही इज़ सेलेक्टेड फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एज अ ग्रेजुएट अप्रेंटिस एट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ही इज़ हेयर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट द ऑफिसर मैंशन बिलो एट। सो यहाँ पर आप 3 चीज़ें आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वेन्यू, रिपोर्ट टू एंड ऑन एट, यानी कि आपको रिपोर्टिंग वेन्यू यानी कि पोस्टिंग कहाँ पर आपकी हुई है। जैसे कि मेरी तो हुई थी कानपुर रिटेल रीजनल ऑफिस, तो यहाँ पर आपको उसका एड्रेस मिल रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एंड किन को रिपोर्ट करना है, यहाँ पर मैंने तो ब्लर कर रखा है क्योंकि मैं सारी डिटेल नहीं दे सकता। एंड ऑन एट यानी कि कब आपको रिपोर्ट करना है, यानी कि आप देख सकते हैं 1 फैब 2020 को मैंने वहाँ रिपोर्ट किया था एट 9 AM। सो स्टाइपेंड भी आप देख सकते हैं 25,000 पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ज्वाइनिंग के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सो फर्स्ट, आप अपने अवार्ड लेटर का प्रिंट आउट अपने साथ ले जाएं। एंड सेकंड, आपके पास कोई वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट एट्सेट्रा। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा वो पैन कार्ड है। सो आप वैलिड आईडी या पैन कार्ड दोनों को ओरिजिनल फॉर्म में ही ले जाएं, और अपना फोटो कॉपी भी इसका ले जाएं। जो तीसरा आपका फॉर्म है वो रहेगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, और आपका चौथा रहेगा बैंक ई मैंडेट फॉर्म। सो बैंक ई मैंडेट जो फॉर्म रहेगा वो HPCL ही आपको मेल पर बता देगा। आपको उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो दे दिया जाएगा मेल पर HPCL की तरफ से। उसे आप भरिए और अपने बैंक से वेरीफाइड करा लीजिए कि ये आपका वहाँ पर खाता है और ये आपका बैंक नंबर है, तो वो आपको वेरीफाई कर देंगे। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक को। देन इसके बाद अपना ई मैंडेट फॉर्म आप ले सकते हैं उनसे। देन ये HPCL में जाकर जमा हो जाएगा। सो जैसे ही आप चारों डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर देंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, देन आप अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हैं अपना HPCL। सो इस तरीके से मेरा सारा प्रोसेस फिनिश हुआ था और मैं HPCL अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइनिंग कर पाया था। मेरा जो पोस्टिंग था वो कानपुर रिटेल ऑफिस था, जो कि नॉर्थ सेंट्रल जोन में है। आई होप मैंने आपको जो ही बताया होगा, जितने ही प्रोसेस जो मेरे साथ हुए वो आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे कि मैंने किस तरीके से आपको बताया, और आप हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इंटरव्यू में आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। सो अगली वीडियो में मैं आपको 1 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा HPCL में कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरा NCZ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी थी वहाँ पे, क्या क्या सिखाई गई मुझे वहाँ पे, और मुझे क्या वर्क मिला था वहाँ पे, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो मेरी वीडियो को बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।